सोलन में जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा 5 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर विभाग द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह देकर किया गया। शिविर में प्रदेश भर से 150 के करीब युवा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। शिविर में युवाओं को प्रतिदिन विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिसमें मुख्यतः स्वास्थ्य विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, पुलिस विभाग, कुंभ अनुसंधान निदेशालय, यातायात विभाग से आए विशेषज्ञ युवाओं को जागरूक करेंगे। कार्यक्रम के संयोजक बलिराम शर्मा ने बताया कि इस कार्यशाला में प्रदेश भर से 150 के करीब युवा भाग ले रहे हैं। शिविर में करीब 10 विभागों के विशेषज्ञ युवाओं को अपने अपने विभागों द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में अवगत करवाएंगे। युवा इस कार्यशाला से जन कल्याणकारी नीतियों को जानकर अपने आसपास लोगों को जागरूक भी करेंगे। युवा सेवा एवं खेल विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा 5 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का आज सोलन में शुभारंभ किया गया। इसके मुख्य अतिथि थे जिला सोलन के उपायुक्त महोदय श्री विनोद कुमार जी। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के सभी खंडों के 150 युवा भाग ले रहे हैं। इन युवाओं को प्रतिदिन जन कल्याण की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, जो ये ताकि इनको भी युवाओं को भी इस इन योजनाओं से लाभ मिले तथा ये आगे जाकर अपने गांव में और अपने शहर में या अपने कस्बों में इसकी जानकारी देंगे।